सो फ्रेंड, हम इसका फर्स्ट पार्ट लेके आया था जो 50% ही वर्क कर पाया था, एंड ये सेकेंड पार्ट है जो अभी इसमें हम 100% वर्क करके दिखाएंगे, एंड इसका प्रोजेक्ट भी देने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड, लाइक ऑलमोस्ट 1000 तो होना चाहिए, क्योंकि जब आप लाइक नहीं करते हैं ना तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, एंड ये अभी दिखा देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में मतलब किस तरीके से मैं बनाया था, तो इसमें आपको रिव्यू करवा देता हूँ, तो आप देख लीजिए थोड़ा। सो फ्रेंड, अभी आगे का प्रोसेसिंग चालू करते हैं। सो अभी देख लेते हैं कि आगे का 4 वीडियोस और ऐड करना है, सॉरी 3 हो गया है, 2 और ऐड करना है, उसके बाद फिर लॉन्ग लॉन्ग वीडियो है। तो 2 क्लिप और निकाल लेते हैं डांस वाली, इधर से एक ए और एक के, दो निकाल कर इसको आगे लेके चला जाता हूँ कट करके, एंड यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ, एंड इसको मैं ऊपर ले आऊँगा, एंड इसको इस जगह से कट करके रखूँगा यहाँ। ओके, सो इतना रखना है, एंड बाकी का पार्ट रिमूव कर दिया मैं, एंड इसको स्केल कर देंगे मैं इस तरीके से। तो क्या होता है ना कि जब स्केल करते हैं तो मूवमेंट थोड़ी अच्छा हो जाता है, दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से जूम होके आएगा, एंड इसका आवाज़ थोड़ा सा मैं स्लो कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कान में चुभ रहा है। एंड ये सेकेंड वीडियो, तो थोड़ा सा यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे देख लेता हूँ कि किस जगह से सही है, यहाँ से इतना, एंड ये। सो ये थोड़ा कम बजट वाला इवेंट था इसके लिए, एंड नेक्स्ट जो एडिट पे लाने वाले हों थोड़ा सा अच्छे क्लिप है, एंड बेडिंग भी अच्छे पैसे वाले हैं, मतलब क्लाइंट अच्छे पैसे वाले हैं ऐसा। एंड इसको उसमें क्या किया था कि जूम किया था, एंड इसमें जूम आउट करना है, उसमें जूम इन किया था, इसमें जूम आउट करना है। ओके, तो अभी स्केल कर लेता हूँ, एंड देखिए ये आउट हो रहा है। ओके, इस तरीके से, एंड अभी नेक्स्ट क्लिप देख लेते हैं। अभी मैं एंट्री कर लेने के लिए सोच लेता हूँ, बट अभी देख लेते हैं आगे का। ओके, सो गाइस इतना है अपने पास, तो लाइन में ही लेके चलेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा ये सब तो लेने का इच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं दो एक वीडियो ये ले लेता हूँ सिर्फ, बट ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इसके कारण ये नहीं लूँगा। एंड यहाँ से इसका एक वॉकिंग शॉट ले लेता हूँ ये, एंड इसको ज्वाइन कर लूँगा, सॉरी जो आगे वाला क्लिप था उसमें दब गया है। इस तरीके से, एंड इसको थोड़ा सा स्लो कर दूंगा और अभी
एंट्री का ले लूँगा फ्रेंड, जहाँ पे ग्रूम जो दूल्हे हैं वो एंट्री हो रहे होंगे, तो वो ले लेता हूँ। ओके, इधर से आए इधर, इसके बाद ये भी थोड़ा ही है तो देख लेते हैं इसमें। स्लो कर देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। एंड इसको ज्वाइन कर एंड फिर से इसको मैं जूम कर दूंगा, फिर स्केल कर दूंगा इस तरीके से। एंड पोजीशन को भी सेम ले जाएंगे क्योंकि ये ऊपर सर कट रहा है, तो सर को भी देखते हुए एंड यहाँ से इसको कर देंगे इन दोनों को, एंड यहाँ से दोनों को आउट कर देंगे, तो क्या ना स्मूथ आएगा। अभी नेक्स्ट, अभी एंट्री का ले लेते हैं। ये हमें बाकी को दिखाना नहीं है, ऑलमोस्ट ब्राइड एंड ग्रूम को ही कैप्चर करना है, तो उसके हिसाब से देख लेंगे। आप लोग भी मतलब ज़्यादा को जब हाईलाइट टीज़र बनाए ना, तो ऑलमोस्ट घर की फैमिली को ही कैप्चर करिएगा, क्योंकि बाहर को वाले कोई ज़्यादा देखते नहीं हैं, घर वाले ही देखते हैं, तो ध्यान में रखकर। एंड दूसरी बात कि अच्छे अच्छे मोमेंट को ही पकड़िएगा हाईलाइट एंड टीज़र के समय, क्योंकि अच्छे मोमेंट रहेंगे ना तो अच्छे देखने में भी लगेंगे एंड एडिट करने में भी अच्छा लगेगा। तो उस मोमेंट को पकड़िएगा जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो। अभी फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा जर्क ले रहा है, तो इसको नेक्स्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे स्टेबल, थोड़ा सा इसको स्टेबल कर दूंगा। एंड फिर से इसको मैं कर दूंगा जूम इस तरीके से। अभी देखिए, अभी फिर से इसका अंदर का गया है, तो अभी मैं ये शो कर देता हूँ 4 क्लिप्स की में, तो क्या है ना सब कैप्चर हो जाएंगे। एक घर के आदमी हैं तो इनको लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब नहीं लेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ऐसा कि मेरा क्यों नहीं ऐड किया। एंड इसको इसी अकॉर्डिंग, क्लिप के अकॉर्डिंग जो नीचे कट लगा है उसके अकॉर्डिंग इसको भी डालना है। एंड इसमें जो इफेक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ वो आपको मैं इफेक्ट दे दूँगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी फिर से वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं, जूम आउट एंड जूम इन, तो इसको कर देंगे इन इस तरीके से एंड सेम इन एंड आउट करना है। एंड इसको यहाँ पे लास्ट एंड में रख देना है एंड सेम फिर से वापस इस पर। अभी जूम आउट करने वाले हैं तो जूम एंड यहाँ से कर देंगे आउट एंड इन। तो ओके, अभी देखिए फिर से इसमें जो फर्स्ट वाले किए थे उसको कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देंगे, एंड सेकेंड वाला जो इस जो आउट से इन किए थे उसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से देखिए। अभी इस पे इफेक्ट डालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे दो मैं लेयर बना रखा हूँ इफेक्ट का, सो इसको सिर्फ पकड़ के इधर ले आएंगे, तो देखिए इस तरीके से। ओके,
अभी वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है तो देख लेते हैं। नेक्स्ट में इधर क्या है अपने पास, हम राइट के एंट्री भी डाल सकते हैं और फिर एंट्री डालने के बाद सारे चीज़ हम ले सकते हैं। ओके तो चलिए पहले एंट्री का क्लिप ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड मैं यहाँ से ले लूँगा क्योंकि आगे का पार्ट बहुत ही बेकार था तो मज़ा नहीं आ रहा था। अभी इसको कट कर लेंगे एंड इसको कर देंगे स्टेबल। स्टेबल करने में थोड़ा सा क्लिप भी अच्छा हो जाता है एंड इस पे थोड़ा सा इफेक्ट जूम इफेक्ट दे देंगे तो और ये बेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से जूम इफेक्ट दे देंगे, ये क्या है ना देखने में थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ओके अभी इसके बाद एंट्री जैसे ही हुआ तो इनका हार का ले लेंगे क्लिप्स, जो हार एक दूसरे को पहनाते हैं ना वो ले लेंगे। हार पहनाने से ये क्लिप ये पहले डाल लेता हूँ तो थोड़ा क्या लाइन में आ जाएंगे, बट यार अच्छा नहीं है, ये ले सकता हूँ। सो फ्रेंड एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इफेक्ट के रिलेटिव रहेगा, सो वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत उसमें सीखने के लिए मिलेगा आपको। एंड वो फॉर फ्यूचर इफेक्ट जो नया अभी इफेक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं, सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसको पहले सेट कर लेते हैं। ओके एंड इसको कर लेंगे स्लो, इसको अराउंड 40 के आसपास स्लो कर लेंगे। बट यार सीट मज़ा नहीं आ रहा है, जो वाइब चाहिए वो वाइब नहीं मिल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, डबल लेयर एंड फर्स्ट वाले लेयर को कर देंगे अराउंड 70 के आसपास। ओके एंड सेकेंड वाले जो लेयर है इस पर मैं ब्लर इफेक्ट ग्लोसिंग ग्लोसिंग ब्लर इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंड इसको कुछ इस तरीके से ब्लर करके तो थोड़ा क्या है ना लुक आ जाता है। एंड इस एक जूम इफेक्ट मैं देने वाला हूँ, कुछ इस तरीके का जूम इफेक्ट रहेगा। एंड ये प्रीसेट आपके पास नहीं है तो प्लीज़ हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, बट ये आपको मैसेज करना पड़ेगा। तो मैसेज करने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, मैसेज कर लेंगे लीजिएगा तो आपको ये मैं दे दूँगा। अभी इसके बाद देख लेते हैं क्या। तो फिलहाल मैं भी वही कर लेता हूँ जो इन्होंने किए हैं क्योंकि बहुत सारे डांस और वो उभर हो गया। अभी देख लेते हैं मंगल फेरे की कितने क्लिप्स इसमें ऐड किया हुआ है। सो फ्रेंड इसमें तो 2S दो या तीन क्लिप ही है, बट कोई नहीं मैं दो क्लिप ऐड कर लेता हूँ। बट ये अपने को पहले भी ऐड करना पड़ेगा तो मैं ज़्यादातर इसमें से ही कर लेता हूँ, थोड़ी रीत भी आ जाएगा, मतलब जो फंक्शन हुआ है इनके घर पे वो भी कैप्चर हो जाएगा एंड टीजर भी बन जाएगा ऐसा।
कुछ इस तरीके से। एंड ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊँगा, बड़ा नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रहता है तो कोई देखता भी नहीं है, फ्रेंड स्किप करके चला जाता है। तो ये देख लेते हैं, 15 मिनट का हो गया या अराउंड 25 या 14 के आसपास जाएगा, 40 के आसपास। एंड इसको कर लूँगा शॉर्ट, एंड इसके बाद इसको कर दूँगा स्केल। स्केल करने के बाद इन एंड आउट करना तो भूलना ही नहीं फ्रेंड, क्योंकि यही मेन चीज़ होता है। ओके, एंड इसमें से भी अच्छे अच्छे क्लिप्स निकालना पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट रहते हैं। एंड ये भी मैं इसमें ड्रैगन ड्रॉप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सॉरी। इसको अराउंड 400 के आसपास कर देते हैं, क्योंकि ये फास्ट लिया हुआ है ना, इसके वजह से ये करना पड़ रहा है। अभी फ्रेंड मैं एक और इफ़ेक्ट आपको बताने वाला हूँ, सो आप देखते जाइएगा। एंड मैं यहाँ पे ड्रैगन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी इफ़ेक्ट है। तो ये इफ़ेक्ट का नाम है, एंड ये ड्रैगन ड्रॉप कर कर इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी आपको बता देता हूँ। सो राउंड ये स्टार्टिंग में आपको कुछ 25 के आसपास दिखेगा, 24 के आसपास दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इफेक्ट कंट्रोल में। तो इसको कर देना है अराउंड 2 या 3 के आसपास, 2 या 3, तो मैं 3 कर देता हूँ। एंड ये इफेक्ट देखिएगा किस तरीके से ये बन कर आएगा। देखिए शटर जो एक हम लोग फोटो क्लिक करते हैं ना, उस तरीके से ये इफेक्ट बन के आया, देखिए। एंड इसको थोड़ा सा मैं कर दूंगा स्केल, तो ये थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो हार पहनाने वाला डाल देते हैं, एंड उसके बाद मंगल फेरा, उसके बाद सिंदूर, एंड दे एंड द एंड, तो वो भी देखना पड़ेगा। एंड पहले तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए किस तरीके से बना है, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपका दिल भरेगा नहीं। तो अभी मैं एक्सपोर्ट पे लगा दिया हूँ, जैसे ही एक्सपोर्ट होगा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है मेरे यहाँ पे, तो क्या ही बोले, बहुत ठंडी लग रही है। यार जल्दी होता भी नहीं है। सो ये फ्रेंड होने वाला ही है, एंड ये भी आप देख लीजिए, इसको कुछ राउंड फुल एक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड अभी जो पीछे में बैक में आपको देखा ये चीज़ें, इसमें इफेक्ट मैं यूज, यहाँ पे इफेक्ट का मतलब जो ओवरले होता है ना वो डालना भूल गया हूँ, सो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। एंड इसको भी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। क्या ना ये थोड़ी थोड़ी भूल जाते हैं आप लोग को बताने के चक्कर में, एंड आप लोग देखते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, एंड स्किप करके चले जाते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो कि और हम अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल आते रहें आप लोग के बीच। जब तक आप सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करोगे एंड कमेंट नहीं करोगे कि इसके बारे में आप वीडियो लाओ, तो हम कहाँ से लाएंगे। एंड आप बस देखते हो, अच्छा नहीं लगा चले जाते हो, आगे का चीज़ें देखते ही नहीं हो, क्योंकि स्टार्टिंग का थोड़ा सा हो जाता है दिखाने में आप लोग को, बताने में टाइम वेस्ट।
तो उसमें क्या है कि स्किप करके चले जाते हो, बीच वाले पार्ट तो देखते नहीं हो, एंड वाली पार्ट तो देखते नहीं हो, तो आपको समझ में कहाँ से आएगा। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आप देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट में यहाँ से जो हार पहनाते हैं ना वो सब ले लेते हैं। सो, हम ये क्लिप ऐड नहीं करेंगे, ये सबको रिमूव कर देंगे एंड यहाँ से कुछ कट कर लेंगे, इतना सारा क्लिप जो सिलेक्शन किया वो, एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अभी हार पहनाने वाले डाल देते हैं। अभी सेकेंड क्लिप, फ्रेंड्स सही बताऊं तो काम करने में इच्छा नहीं कर रहा है, बट अभी चलो कर देता हूँ ऐसा करके। इसको भी स्टेबल कर दूंगा एंड इसको, ब्लेजर एंड दोनों में ग्लिच इफेक्ट है तो मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से आएगा एंड जो सेकंड क्लिप रहेगा फ्रेंड वो इनका कपल का डाल देते हैं एंड फिर मंगल फेरा, उसके बाद सिंदूर देख लेते हैं। तो ये भी एक ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। एंड फिर से इसमें स्टेबल डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं डालेंगे ना तब तक ये सही क्लिप नहीं हो पाता है इसके वजह से। एंड थर्ड में इसको कुछ इस क्लिप को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ एंड इसको मैं, ये जो ये क्लिप है इसमें मैं कुछ अलग करने वाला हूँ कुछ इस टाइप से, एंड इसको इतना ले लूँगा एंड सेकेंड वाले को भी कुछ इस टाइप से इसके साइज में, एंड देख लेते हैं 42 42 42 52 सॉरी 52 एंड 52, दोनों 52 ही है। तो अभी ओके एंड ये जो ज़्यादा पार्ट दिख रहा है ना इसको मैं थोड़ा सा इसको 40 के कर देते हैं, अराउंड 40 एंड इसको भी कर देते हैं 40। क्या ना 40 करने के बाद दोनों एडजस्ट हो जाता है। सो अभी देखिए बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है तो 45 एंड 45 ओके। स्केल को सिर्फ दोनों को पोजीशन देख लेंगे। सो, दोनों को पोजीशन सेम करने के लिए पहले तो ये कॉपी करना पड़ेगा एंड इस पे पेस्ट करना पड़ेगा, तो क्या है दोनों का सेम हो जाएगा 44 एंड 44 ओके। अभी देख सकते हैं, अभी मैं इस पे इफेक्ट ऐड करने वाला हूँ। सो, इफेक्ट में चले जाएंगे एंड ये इफेक्ट मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए अभी जो बैकग्राउंड में वो है वो जो हमने यूज किया था वो
वीडियो का बैकग्राउंड है, तो मैं उसको निकाल के दूसरा ऐड कर देता हूँ कुछ ये, एंड इसको कर दूंगा मैं ब्लर। क्या करूँगा, ब्लर, तो गॉसिंग ब्लर इस पे ऐड कर देता हूँ अराउंड 15 के आसपास। ओके सो 15 भी बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, तो 30 के आसपास कर देते हैं, अभी सही हो गया। अभी नेक्स्ट में देख लेते हैं कि कौन सी क्लिप है हमारे पास। सो बहुत ज़्यादा कपल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कपल का ज़्यादा करेंगे तो फिर इशू हो जाएगा। हेड किस वाले दे देते हैं, थोड़ा फास्ट कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। इधर से एंड इसको नेक्स्ट करके फिर से स्टेबलाइजर ऐड कर दूंगा। सो ये देख लेते हैं, 26 मिनट का हो गया, ये 40 के आसपास समथिंग जाने वाला है। फ्रेंड ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाह रहा था, बट ये अभी क्या है ना कि आप लोग को बताने में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो प्लीज़ सॉरी इसके लिए। फिर नहीं बताऊंगा तो आप सीख नहीं पाओगे उस चीज़ को, तो उसके लिए थोड़ा बताना पड़ता है आप लोग को। अभी हार पहना दिए, तो अभी देख लेते हैं क्या है, मंगल फेरा। अभी फिर से इसको मैं स्किल मारने वाला हूँ, क्योंकि जब स्किल करते हैं तो चीज़ें अच्छे लगते हैं, ऐसा वीडियो अच्छे लगते हैं चीज़ें। एंड इसको कर देते हैं नेक्स्ट, एंड स्पेस स्टेबल ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ने थोड़ा फास्ट किया था इसको। हम लोग यानी मैं इसको थोड़ा फास्ट किया था। एनालाइज फिर से मांग रहा है, तो फिर से वापस एनालाइज कर देते हैं। सो इसमें थोड़ा सा कुछ करने वाले तो थे, बट अभी इसको रिवर्सिंग कर देता हूँ। एंड इसको रिवर्स जो हुआ ना, उधर से मैं इसको जूम कर देता हूँ, एंड ये हो गया जूम। एंड इसको कर देता हूँ जूम आउट कुछ इस तरीके से। अभी इसको कर लूंगा बैक, एंड इसको कर लूंगा फ्रंट। ओके अब यहाँ पे जो सिंदूर दे रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मैं फास्ट मूवमेंट ले लेता हूँ, एंड ये थोड़ा सा इफेक्ट मेरे को ऐड करना बाकी रह गया तो कर लेते।
and he dropped that shit. सो गाइजेस, अभी फिर से उसी क्लिप को मैं वापस ले रहा हूँ. सो इस क्लिप को कुछ इस तरीके से ऐड कर लेते हैं. एक और जो इसको ही रिवर्स ले लेता हूँ एंड अभी सेम इफेक्ट ऐड करने वाला हूँ दोस्त. तो थोड़ी ध्यान देकर देखना, क्योंकि जब तक नहीं देखोगे तब तक आएगा ही नहीं. ओके, सो अगर सीखना है तो देखना पड़ता है चीज़ों को और सीखना पड़ता है. तो इसके लिए सीखो, देखो ज़्यादा, सीखो थोड़ा, ऐसा मत करना. क्योंकि जितना देखना उतना सीखना, तो क्या ना कि आगे चल के अच्छे एडिटर बन पाओगे. देखो ऐसे डाटा को ऐसा जब एडिट करते हैं तो खुशी हो जाता है. अभी बताओ अच्छे डाटा को अच्छे से एडिट करोगे तो कितना खुशी होगा. सो ये सब देख लेना एंड कोई बताएगा नहीं इतना जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को. तो देख लेना अपने हिसाब से, हमारा बताना काम है, आप लोग को सीखना काम है. मैं चाहता हूं कि ये इतना तक जूम होकर आए कुछ इस तरीके से. ओके, सो अभी मैं कपल एक दो डालने की ट्राई कर लेता हूँ, क्या है ना थोड़ा अच्छा हो जाएगा. कपल को उड़ा तो नहीं दिया था ना मैं. ओहो, ब्राइड का दो एक शॉट डाल लेता हूँ, क्योंकि कपल ऑलरेडी बहुत सारे डल गए हैं. ओके, कुछ इस तरीके से एंड इसको. ओके, सो ऑलमोस्ट डन हो गया है एंड ये आपको दिखा देता हूँ कि कैसा बना है. एंड फिर से इसको थोड़ा सा इधर पेस्ट कर देता हूँ तो थोड़ा और देखने में अच्छा लग जाएगा. इस तरीके से इधर इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ एंड इसको है ना एक लेयर बना के ऐसा कर देता हूँ. ओके, सो अभी फिर से इसको आईओ कर दिया एंड सेव करना तो भूलना ही मत. एंड इसको एंटर करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से क्रिएट किया है हमने वो भी वेडिंग टीचर. सो ये थोड़ा नॉर्मल क्लाइंट थे एंड शूट करने वाला थोड़ा सा नॉर्मल ही थे, नए नए, तो इसके कारण ऐसा शूट हो पाया है. एंड जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत अच्छे शूट है एंड न्यू टीजर है एंड उस पर सॉन्ग भी नए हैं. तो वेट करिएगा, वो जल्दी अपलोड करेंगे एंड तब तक इसका इंजॉय करिए. एंड इसका जो प्रोजेक्ट है कल हो सके तो आपको आप लोग के पास शेयर कर दूंगा एक नए वीडियो को साथ. एंड ऑलमोस्ट फ्री रहेगा ये प्रोजेक्ट. और ये जो प्रोजेक्ट मिलेगा आपको वो व्हाट्सएप पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा नहीं क्योंकि ड्राइव का इशू चल रहा है. वो ड्राइव फुल हो गया है, इसके कारण हम उस पर अपलोड नहीं कर सकते. तो अगर लेना होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, मेल कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं.
तो उससे पहले आप ये चीज़ें देख लीजिए एंड तब फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि अच्छा बना है या खराब बना है। सो आप अच्छा बनेगा तो कमेंट कर कर जरूर हमको बता दीजिएगा कि हाँ भाई अच्छा बना है, एंड ना भी बना होगा तो बता दीजिएगा कि ये इशू है इसमें। सो हम उसको अगले वीडियो में माइनस कर लेंगे, मतलब जो इशू है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। Drop that shit. So, कैसा लगा वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड बस आज के लिए इतना ही।